अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज अपन बनाने जा रहे हैं खोवे के पूरियाँ, जो फेमस है हैदराबाद के खोवे के पूरी। इसके लिए हम एक लेंगे एक वेजल में 3 टेबलस्पून डालडा घी, वनस्पति या जो आपके पास अवेलेबल है वो डालडा घी 3 टेबलस्पून ऐड कर दीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे किशमिश, अगर आपको जैसी पसंद है क्वांटिटी वो हिसाब से आप किशमिश ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में किशमिश और बादाम ग्राइंड करे हुए, जब तक ये अब हम इसमें ऐड करें किशमिश। अब इस किशमिश को अच्छे से पॉप फिर जब तक इसको थोड़ा हल्के से फ्राई कर लीजिए, आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिए। लो फ्लेम पे, ताकि ये जल ना पाए इसलिए अपन इसको लो फ्लेम पे किशमिश घी में तल लेना है। आप कोसा भी घी यूज़ कर सकते हैं, बस वनस्पति या डालडा, कोसा भी डालडा घी अवेलेबल है आपके पास या असली घी, वो घी में हमें अच्छे से फ्राई कर लेना चाहिए। देखिए चेंज हो रहा अब इसका कलर, पॉप होना स्टार्ट हो गई है। हल्के फ्लेम में कर दे ताकि ये जल ना पाए। हम ये किशमिश अच्छे से फ्राई कर लिए, देखिए कैसा चेंज हो गया, ये पॉप हो गया, कैसा फूल गया घी में तले जाने के बाद, ये ऐसा इसका कलर चेंज होता है और ये ऐसे फूल जाते। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट करेवा वाइट खोपरा, आप ये ड्राई खोपरा भी ले सकते हैं या नहीं तो कोकोनट फ्रेश वाला कोकोनट वो भी ले सकते हैं, इसमें ऐड कर लीजिए और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब हम इसमें डाल चुके हैं कसा हुआ खोपरा, या आप नारियल भी डाल सकते हैं, फ्रेश नारियल जो अवेलेबल है आपके पास, और इसके साथ डालेंगे अपन ग्राइंड करे हुआ बादाम, ड्राई फ्रूट्स में बादाम और काजू, आप चाहे तो इसे ग्राइंड करके ज़्यादा डाल सकते हैं या नहीं तो पीसेस हाफ कट करके या चॉप करके, आप जैसा पसंद करते हैं वैसा ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए इसमें, और जो ड्राई फ्रूट्स चाहे आप वो ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से भून लेना चाहिए, ब्राउन हुए जब तक इसका कलर चेंज होना चाहिए, जब तक इसे अच्छे से भून लीजिए लो फ्लेम पे ताकि ये जल ना पाए। अब देखिए ये खोपरा कैसा लाल हो चुका है, हमें ये कलर तक ये कलर आया जब तक भुनना है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 किलो खोवा। अब हमें इसमें मिक्स करना है खोवा, जो ड्राई फ्रूट्स अपन तेल में भून लिए उसी में ये खोवा मिक्स करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेने के बाद खोवे में 3/4 शक्कर, 1 किलो को थोड़ी कम शक्कर, सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी ग्राम्स ऑफ शुगर। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पे, अपन जो भी ये खोवा बना रहे हैं सिर्फ लो फ्लेम पे मेंटेन करना है, क्यों बोलते हैं इसमें जलने के चांसेस रहते हैं इसलिए हमें सिर्फ लो फ्लेम पे पकाना है। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि शक्कर और खोवा ड्राई फ्रूट सब अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ताकि ये शक्कर गरम से मेल्ट हो जाए, जब तक हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है। ऐसा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए,
इससे खोवे में अच्छे से खुशबू आता, फ्लेवर आता, टेस्ट कर लीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये पूरे खोवे में अच्छे से मिक्स होना है। अपन जब भी जो कोई चीज़ मिक्स करे तो अच्छे से मिक्स करना चाहिए ताकि वो फ्लेवर इसमें आए। ये देखिए शक्कर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। देखिए कैसा थिकनेस आ रही है इसमें और ये कैसा पक रहा साइडों से। इसे हिलाते रहना कि ताकि ये नीचे ना पकड़े, दाग ना लगे। अब स्टव हमें ऑफ कर देना चाहिए। अब देखिए ये अच्छे से पक चुका है, इसमें थिकनेस भी आ गई शुगर मेल्ट होने के बाद और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब ये रेडी है पूरी बनाने के लिए। देखिए इसे ठंडे के लिए रख देंगे। अब पूरी के आटे के लिए जो डफ बनाते वो डफ के लिए हमें लेना है मैदा। 1 किलो खोवे के लिए 2 किलो 1.5 किलो मैदा। अब ये मैदे में ऐड करेंगे थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा घी, घी और इसमें ऐड करेंगे 3 कप दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें लम्स वगैरह नहीं आना। अच्छे से डव बनाइए, जितना हो सके ये सॉफ्ट होना चाहिए ताकि अपनी पूरी अच्छी बने। दूध, घी, थोड़ा हल्का सा नमक मिलाकर अच्छे से ये सॉफ्ट डव बन जाना चाहिए। अब इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे पूरा एक जगह का कैसा कॉटन का क्लॉथ वगैरह कुछ लेकर इसे कवर करके 1 या 1/2 आवर या 1 आवर के लिए रख देंगे ताकि ये नरम सॉफ्ट हो जाए, अपनी पूरी सॉफ्ट और टेक्सचर में अच्छी रहे। अब हम जो भिगाए आटा पूरी के लिए उसके लिए ये साइज का पेड़ा लेना है हमें। ये साइज का पेड़ा लेके अब इसे गोल पूरी के लिए बेल लेना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, पूरी के साइज का। थोड़ा डस्टिंग करिए आटे से चिपक ना पाए, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं करना चाहिए, पूरी फूट जाएंगी ना। तो अच्छे से बेल लीजिए। घुमा घुमा के बेल कर अब इसमें फिलिंग करिए, जो खोवा अपन बनाकर साइड में रखे थे ठंडे के लिए उसी की स्टफिंग करिए। स्टफिंग हमें देखकर करना चाहिए ताकि ये फूटे ना, हद से ज़्यादा स्टफिंग हैवी भी नहीं करना, मीडियम स्टफिंग रहना। अच्छे से फोल्ड करके पूरे साइड्स अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि ये लीक ना हुए ना फूटे फ्राई करने के टाइम। इसे ऐसा अच्छे से साइडों से पूरे ऐसा पिंच करिए ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। अब ये पूरी रेडी है फ्राई करने के लिए। अब इसको अच्छा डीप फ्राई करके निकाल लीजिए और आपकी पूरी तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।